नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपको सीधे दुर्ग लिए चलते हैं, जहां पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक खास कार्यक्रम बालहत है छत्तीसगढ़ हो रहा है और मंच पर मौजूद हैं मंत्री ताम्रध्वज साहू। किसानों की ही सरकार है, आप लोग कहते हैं कृषि मंत्रालय भी ऐड हो गया है, क्या कुछ गाइडलाइन कुछ रोड मैप भी दिमाग में चल रहा है कि कृषि मंत्रालय मिला है तो किस तरीके से आगे चलना है, कुछ बातचीत आपकी भी हुई होगी? खेती किसानी से जुड़ा व्यक्ति हूं तो किसानों की सुविधा के लिए जितना बेहतर योजना बनाया जा सकेगा, वर्तमान में जितनी योजनाएं संचालित हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, इन वर्षों में जितनी योजनाएं हम लोगों ने संचालित किया है, हमारी सरकार ने किया है, उसके बाद उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है वो जरूर करेंगे। जैसे सरकार बनने के पहले ही हम लोगों ने घोषणा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, किसानों की कर्जा माफी से शुरू करके किसानों की धान खरीदी 2500 से शुरू करके जितना भी हम लोगों ने आगे बढ़ाए योजना, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो, ऋण से संबंधित हो, खाद्य से संबंधित हो, बीज से संबंधित हो, किसानी एक व्यापक क्षेत्र है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विंग्स हैं, तो उन तमाम चीज़ों की और जितनी योजनाएं बनी हैं उसमें और बेहतर हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या कर सकते हैं वो जरूर करना चाहेंगे। बहुत सारे काम किए भी हैं और बहुत सारी चुनौतियां भी इन 4.5 सालों में कृषि के क्षेत्र में आप लोगों ने झेली भी है, देखी भी है। लगातार कई बार खरीदान खरीदी को लेकर केंद्र से टकराव की भी स्थिति आप लोगों ने बनती देखी है। अब बहुत जल्द चुनाव में भी जा रहे हैं आप लोग, क्या विपक्ष भी तैयारी कर रहा है? क्योंकि उससे भी पता है कि पिछली बार जो मैनिफेस्टो में आप लोगों ने ऋण माफी की बात की थी या समर्थन मूल्य का जिक्र किया था, वो एक बड़ा अहम पैमाना रहा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्या इस बार भी कुछ खास तैयारी कर रहे हैं विपक्ष को काउंटर करने के लिए? वो भी बहुत तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन वर्षों में हम लोगों ने जो किया है विशेष तैयारी करने की हमको, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं सरकार के सभी विभागों में हम लोगों ने बनाई और क्रियान्वित किया, न केवल क्रियान्वित किया अपितु उसका लाभ आम जनता को जो मिल रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारी सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने सारे काम किए हैं, तो अलग से कोई योजना बनाने की, रणनीति नई सिरे से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग नीचे तक पहुंचे हैं अपनी योजनाओं के माध्यम से। जैसे छोटी सी बात, मान लो किसान का कर्ज माफ कर दिए, धान खरीदी कर रहे हैं 2500 में, तो इसमें बड़े किसान भी आते हैं, छोटे किसान भी आते हैं। अब कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास एक डिसमिल जमीन नहीं है, अगर वो हमसे प्रश्न करे कि किसानों के लिए कर रहे हमारे लिए क्या, तो 7000 रुपया वार्षिक भूमिहीन कृषक मजदूर योजना लागू किया गया। देखिए, पेंशन 350 रुपया मिलता है, लेकिन इस योजना के तहत तो 500 रुपये से ज़्यादा राशि हम हर महीने देंगे, मतलब 7000 सालाना। तो हर वर्ग को हमारे पास प्रदेश का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे लिए योजना नहीं बनी। अरबपति व्यक्ति भी अगर इस प्रदेश में रह रहा है, वो अगर कहे तो मैं उसको डंके चोट पे कहूंगा कि हमारी बिजली बिल हाफ की योजना का लाभ उस अरबपति को भी मिल रहा है। तो गरीब आदमी से लेकर अरबपति तक हमारी योजना बनी है और बराबर उसका लाभ उस तक जा रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें और बहुत ज़्यादा है, तो हम, लेकिन आने वाले समय में जो चुनौतियाँ आएंगी उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। सबसे बड़ी बात चुनौतियों का मुकाबला करने की, कोरोना काल, लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ, बाकी का 5 साल 15 साल, हमारा तो 3.5 साल, 5 साल कुल मान लें, अभी 3-4 महीना बचा है उसको भी जोड़ लो, चलो 5 साल का कार्यकाल, 1.5 साल तो कोरोना में बंद था सब काम, तो हमें तो 3.5 साल ही मिला ना काम करने का, बाकी लोगों को तो 15 साल मिला, वो 15 साल का हमारे 3.5 साल से तैयारी तुलना कर लें कि 15 साल में कितना कर्जा माफी हुआ, 3.5 साल में हम लोगों ने कितना कर्जा माफी किया, कितनी सिंचाई योजना बनी, कितने किसानों को लाभ मिला, कितने बेरोजगार को लाभ, बेरोजगारी भत्ता कितना दिए हैं बता दें,
15 साल में, और हम अपने कार्यकाल का अभी 6 मई अभी शुरू हुआ है बेरोजगारी भत्ता, और हम बता देते हैं 40-50 करोड़ रुपये से ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता हम दे चुके हैं, लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो काम किया वो अद्भुत है, अलौकिक काम है, इसकी तुलना और इसका मुकाबला कुछ नहीं हो सकता। पर अभी प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने कह दिया कि केंद्र खरीदता है धान, तो इसको लेके काफी चर्चा हुई। अब वो हम लोग हमेशा से कहते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, मैं अपने दल में भी कहता हूं हंसी मजाक में कि जैसे युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY, सेवा दल सब होता है, उनमें युवा, हम युवक कांग्रेस कहते हैं, वो युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा कहते हैं। तो एक दुष्प्रचार विंग है भारतीय जनता पार्टी की अलग से, जो पूरे विश्व में कहीं ऐसा विंग नहीं बना है। उनका काम खाली दुष्प्रचार करना है, आप चाहे कुछ भी काम कर लो, उनका काम, माननीय प्रधानमंत्री जी को कम से कम ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। बहुत खुला हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने चैलेंज किया है कि कितना हजार करोड़ रुपया हम कर्ज लेते हैं किसानों की धान खरीदी के लिए, और धान को जब चावल करके हम जब बेचते हैं पैसा मिलता है हर साल हमारे मार्केट के थ्रू हम लोग कर्जा लेते हैं। तो ये तो बड़ा झूठ का पुलंदा है, उनको क्या कहा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चलता है। गृह मंत्रालय भी आपके पास है, बहुत अहम मंत्रालय छत्तीसगढ़ के लिहाज से खासकर, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, तो गृह मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। वहां भी आप लोगों ने दावा किया कि नक्सल समस्याएं कम हुई, लेकिन उसका भी श्रेय मंच से प्रधानमंत्री लेते दिखे। देखिए, मैंने पहले कहा कि दुष्प्रचार करना और श्रेय लेना, हम लोगों ने श्रेय लेने की प्रक्रिया नहीं की। हम जितना कह रहे हैं उसको आम जनता खुद तौल ले, और डंके की चोट पे हम तैयार हैं उनसे बहस करने के लिए। पिछले 15 साल में कितने नक्सली मूवमेंट हुआ, कितना कम हुआ, नंबर एक। 3.5 साल के हमारे कार्यकाल में 57% नक्सली मूवमेंट कम हुआ है। मैं इस बात को दहाड़ के कहना चाहूंगा, मुझसे बहस कर लें। 15 साल के कार्यकाल में 300 स्कूल बंद थे, हमने 300 स्कूल चालू किया, ये प्रमाण है कि नक्सली हटते गए तब हमारा बंद स्कूल चालू हुआ। अंदर तक राशन पहुंचना बंद था, राशन दुकान हम लोगों ने चालू किया। हाट बाजार क्लिनिक हम लोगों ने चालू किया, अस्पताल इनके बंद थे। एक बार पेपर में छपा था, हम अबूझमाड़ में अंदर, जिसको माद कहा जाता है, और अबूझमाड़ जिसको बूझ नहीं पाया, कोई जा नहीं पाए, ऐसे जगह पर हम किसान के खेत में बोर किए हैं। और समाचार पत्र में आप लोगों ने भी देखा होगा, जब उस मोटर का चालू किया गया, पानी फोर्स निकला तो प्रणाम करने लगा उस पानी को। वो अबूझमाड़ में हमारी सरकार ने ये सब काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया, राशन दुकान खोलने का काम किया, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम किया, बंद स्कूलों को खोलने का काम किया। लगभग 70 नए कैंप हम लोगों ने बस्तर के नक्सली इलाकों में खोला है, कुछ फोर्स केंद्र सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, इस बैठक में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ रणनीति पर मंथन किया। अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बीजेपी IT सेल दफ्तर का जायजा भी लिया, और इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय, हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर 3 दिन बैठकों का दौर चलेगा। तो बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, बड़ी बैठक हुई, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव इस बैठक में शामिल हुए। 3 दिन तक बैठकों का दौर चलेगा, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसको लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी दोनों ही भोपाल पहुंचे हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की। तो
मिशन 2023 को लेकर बीजेपी में मंथनों का दौर लगातार जारी है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर देंगे। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, बैठकों का दौर जारी है, क्या लबोलुआब इस बैठक का निकला आज? देखिए, आज जो विभिन्न समूहों की बैठकें थी उनको लगभग 3 से 3.5 घंटे तक लगातार उसको लेकर मंथन का दौर लगातार जारी रहा, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग की बात हो, सोशल मीडिया टीम की बात हो या जो अन्य जो वर्ग हैं उन सब के साथ आज बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। इन बैठकों में मध्य प्रदेश की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हों या फिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा देखिए, खास बात यह कि बैठक जैसे ही खत्म हुई उसके बाद खुद अश्विनी वैष्णव जो है सोशल मीडिया की जो टीम है उससे मिलने वहां पहुंचे थे और वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसके साथ ही जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव वो पूरे दफ्तर में घूमे हैं, एक एक चीज को उन्होंने बारीकी से देखा है कि जो अलग अलग मोर्चे हैं उनके पदाधिकारी कहां बैठते हैं, कौन कहां बैठता है, किस तरह की कार्यप्रणाली है, तो सारी जो दफ्तर के जो कर्मचारी हैं उनसे भी मुलाकात की, कहां बैठकें होती हैं, कहां मीडिया के लोग बैठते हैं, ये सारी जानकारियां उन्होंने खुद जाकर जो है जुटाई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितनी माइक्रो लेवल पर जो है मॉनिटरिंग करने में लगी हुई है, क्योंकि ये ऑफिशियल तौर पर ये पहली बैठक थी और पहली बैठक के माध्यम से हर एक बारीकी को समझना चाह रहे, चाहे प्रदेश प्रभारी की बात हो या सह प्रभारी की बात हो, ये दोनों ही नेता जो है वो हर एक छोटी से छोटी चीज पर नजर बनाए हुए, और यही कारण है कि आज जो विभिन्न समूह थे उनके साथ बैठक आयोजित की गई और उन सब से जाना गया कि आखिर किस तरह का फीडबैक मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों से सामने आ रहा है और आने वाले समय में किस रणनीति के साथ बीजेपी को जाना है उस सब को लेकर बात हुई है। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और जो प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनके साथ वो मुलाकात भी करेंगे। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर नियुक्ति करना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में इससे पार्टी को फायदा होगा, वहीं कांग्रेस निशाना साध रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के हाल के दौरे के बाद बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र सिंह यादव और अश्विनी वैष्णव के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी में चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी ने इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर की, कहा कि उनके अनुभव का लाभ चुनाव में मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का ये गौरव है कि हमारे पास हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के तौर पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसा व्यक्तित्व है जिनके पास वृहद संगठनात्मक अनुभव है और उनके संगठन कौशल का लोहा पूरा देश मानता है, और ऐसे में उनको ये अहम जिम्मेदारी मिलना हम सब के लिए गर्वित भी करता है और आशान्वित भी करता है कि हमारा जो 51% और 200 सीटों का लक्ष्य है वो हम हासिल करने वाले हैं। उधर नरेंद्र सिंह तोमर की नियुक्ति पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस का मानना है कि स्थानीय नेताओं पर पार्टी हाईकमान को भरोसा नहीं है, इस वजह से केंद्रीय मंत्री को चुनाव की जिम्मेदारी दी जाती है। मतलब दिल्ली से लाया जा रहा है किसी को, कहते ना आपका संकट मोचक बना के, मतलब मध्य प्रदेश में शिवराज जी बी डी शर्मा जी की जोड़ी जो थी वो पूरी तरह से फेल है, विफल है, असफल है। कांग्रेस भले बीजेपी में हो रही नियुक्तियों पर सवाल उठाए, लेकिन ये भी सच है कि नरेंद्र सिंह तोमर के प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी ने 2 बार जीत दर्ज की है। ऐसे में उनके अनुभव और कुशल रणनीतिकार होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर सीएम शिवराज एक्शन में हैं। सीएम ने भोपाल में साइबर क्राइम को लेकर बैठक की रणनीति बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने कल से शुरू होने वाले विकास पर्व को लेकर मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश भी दिए। भोपाल में ऑनलाइन लोन के चक्कर में पूरे परिवार के सुसाइड के मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता दिखाई है। सीएम ने साइबर क्राइम को लेकर बड़ी बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को रणनीति बनाकर अपराधियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। इस बैठक के अलावा सीएम ने कल से शुरू होने वाले विकास पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को कार्यक्रम को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। विकास पर्व 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस दौरान सीएम 2,00,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 17 से 19 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान चलेगा। सीएम बच्चों से संवाद करेंगे। 20 जुलाई को चयनित बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। यही नहीं, सीएम विकास पर्व के दौरान जिलों में ही रात्रि विश्राम करेंगे, साथ ही विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे।
भोपाल से बड़ी खबर, राती बल आत्महत्या मामले में मिले हैं अहम सुराग, जांच के दौरान मिले हैं पाकिस्तानी नंबर, नेटवर्क बबलिंग करते कर नेटवर्क बबलिंग करके रोस्टर कॉल ये करते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भोपाल पुलिस एक लेटर लिखेगा। चाइनीज लोन ऐप को बंद कराने की बात इसमें कही जाएगी। पुलिस सोशल मीडिया पर चाइनीज लोन ऐप की जांच कर रही है, खंगाल रही है। लिस्ट बनाकर चाइनीज लोन ऐप की जांच होगी और इन्हें बंद करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा जाएगा। कॉल डिटेल और आईपी एड्रेस से पता चला है पुलिस को, आसपास के देशों के नंबर। मामले में सीएम ने बैठक कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, राती बड़ आत्महत्या मामले में अहम सुराग मिले हैं, जांच के दौरान पाकिस्तानी नंबर मिले। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। जितेंद्र, काफी गंभीर घटना थी, वो सबको हिलाकर रख दिया इस घटना ने, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो भी हैरान करता है। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो ये फैमिली सुसाइड वाला जो मामला है उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पुलिस को निर्देश दिए थे कि इस तरह के जो लोन हैं, जो इस तरह के फर्जी ऐप हैं, इन पर कार्रवाई की जाना चाहिए। उसी बात को लेकर जो है पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौधरी मिश्र ने एक बैठक ली और उसके बाद तमाम पुलिसकर्मी और साइबर एक्सपर्ट से सलाह ली। उसके बाद ये नतीजा पाया कि जो मृतक है उसके मोबाइल पर पाकिस्तानी नंबर भी उसमें देखे गए हैं और कुछ विदेशी नंबर थे जिनसे उसकी लगातार बात हो रही थी, और चाइनीज ऐप जिसके जरिए उन्होंने लोन लिया था, ऐसे लोन जो संचालन वाली कंपनी है उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और साथ ही गृह विभाग को जो है पुलिस विभाग की तरफ से पत्र लिखा जाएगा और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इन बातों को लेकर जिक्र किया गया। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपने मोबाइल पर कोई फर्जी ऐप डाउनलोड ना करें और साथ ही चाइनीज ऐप का इस्तेमाल ना करें। सुमित जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो जांच के दौरान पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, अब भोपाल पुलिस एक लेटर लिखेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय को। चाइनीज लोन ऐप को बैन करने की मांग इसमें की जाएगी। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। बाबा महाकाल की तरफ उमा भारती, बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। सरकारी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। महिला पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश, जमीन विवाद में दबंगों ने की ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। रतलाम पुलिस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया खुलासा, पुलिस ने 3 चोरों को पकड़ा। पूर्ण नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत पर उठे सवाल, कांग्रेस विधायक बाबूलाल जलदेव ने की कार्रवाई की मांग। छतरपुर में शराबी का डांस वीडियो वायरल, बारिश में जमकर नाचते दिखा शराबी। नर्मदापुरम में बदमाशों पर टूट पड़े ग्रामीण, हाथ पैर बांधकर की जमकर पिटाई। साइबर क्राइम को लेकर सीएम शिवराज ने की बड़ी बैठक, लोन ऐप सहित तमाम साइबर क्राइम पर चर्चा। एमपी में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा विकास पर बड़वानी से होगा आगाज। सागर में तेज नदी के बहाव में बहा युवक, शाहगढ़ से होकर निकलने वाली लांच नदी में हादसा। दमोह में जान हथेली पर लेकर नदी पार करने को मजबूर छात्र। बैतूल से उफनते नाले को पार करते स्कूली बच्चों का वीडियो आया सामने। शहडोल में मौत के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहाल, जान पर लटकते हैं बिजली के तार। ग्वालियर के चर्चित चिराग से भरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्या में प्रेमिका दृष्टि ग्रोवर की भूमिका आई सामने। रतलाम में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, रंगदारी मांगने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला। दतिया में 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप, 4 आरोपियों पर लगा आरोप। ग्वालियर में 12वीं के छात्र ने किले से लगाई छलांग, अनिकेत पटेल नाम के छात्र की गिरते ही मौत। भोपाल में धार्मिक यात्रा को लेकर आमने सामने आई कांग्रेस बीजेपी, यात्रा को लेकर चल रही बैठक में बीजेपी पर हंगामा करते का आरोप। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार।